मारवाड़ की गौरवशाली भूमि, एक और जहां बड़े बड़े शूरवीर पराक्रमियों ने इसे गौरवान्वित किया, तो वहीं दूसरी ओर महान संत महात्माओं ने जन्म लेकर इसे पूजनीय बनाया। सबका कल्याण करने वाली ऐसी ही एक महान विभूति ने कलयुग के प्राणियों को आज कृतार्थ किया है, जिन्हें आज हम सभी स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी के नाम से जानते हैं। पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी श्री त्रिलोचन भारती को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए उनके पवित्र धाम सजाड़ा की ओर श्रद्धा सुमन लेकर प्रस्थान करें। स्वामी श्री श्री 1008 श्री त्रिलोचन भारती जी का धाम जोधपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर सोजतपाली के रास्ते पर पड़ता है। यह स्थान जोधपुर से दक्षिण में पड़ता है। बाहर से आने वाले यात्रियों को जोधपुर रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी द्वारा सजाड़ा तक की यात्रा तय करनी पड़ती है। यही वो पावन भूमि है जहां आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी ने समाधि ली थी। मन दर्शन आज दिखा बाबा, मन दर्शन आज दिखा, मन दर्शन आज दिखा बाबा, मन दर्शन आज दिखा। गांव सजाड़ा वाला बाबा, गांव सजाड़ा वाला बाबा, हाथ जोड़े अरदास करा, दर्शन आज दिखा बाबा, मन दर्शन आज दिखा, मन दर्शन आज दिखा बाबा, मन दर्शन आज दिखा।
स्वामी जी की कथा एवं परिचय अर्थात चमत्कार जानने के लिए हमें अतीत की ओर पलटकर देखना पड़ेगा। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है, जब जोधाना वर्तमान जोधपुर के दरबार अर्थात महाराजा जसवंत सिंह जी बड़े प्रेम से राम राज की तरह अपना राज्य चलाते थे। एक समय की बात है, जोधपुर दरबार अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूमने निकले। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर निकल जाने पर सैनिकों को प्यास लगी। सैनिकों ने इधर उधर पानी की तलाश की मगर कहीं भी पानी नहीं मिला। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर बगुले उड़ रहे थे। यह देखकर सैनिक उस पेड़ की तरफ चल पड़े। पेड़ के समीप पहुंचकर सैनिकों ने देखा कि एक महाराज ध्यान मगन होकर भगवान शिव की माला जप रहे हैं तथा उसके आगे धुना धुकरा प्रणाम किया। सैनिकों को देखकर महाराज का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? महाराज के प्रश्न का प्रत्युत्तर में सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज हम जोधाना दरबार के सिपाही हैं। महाराज जसवंत सिंह जी के साथ यहां भ्रमण करने आए हैं। हमें प्यास लगी है, अतः कृपा कर हमारी प्यास शांत करें। सैनिकों की बात सुनकर महाराज ने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का ध्यान लगाकर सैनिकों को अपना जल से भरा कमंडल दे दिया और कहा, इस कमंडल के जल से तुम अपनी प्यास बुझा लो। सैनिक सोच में पड़ गए कि इस छोटे से कमंडल के जल से हम इतने सारे सैनिक कैसे प्यास बुझा पाएंगे। फिर भी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए कमंडल से पानी पीने लगे। एक एक कर सभी सैनिकों ने कमंडल के पानी से प्यास बुझाई, फिर भी उस कमंडल में पानी की कमी नहीं हुई। इस चमत्कार को देखकर सैनिक सोच में पड़ गए। अब सैनिकों को ऐसा आभास हो रहा था कि ये चमत्कारी महाराज अवश्य ही कोई अवतारी पुरुष हैं। इतना चमत्कार देखकर सैनिकों ने महाराज से हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव हमारे घोड़े भी प्यासे हैं। सैनिकों की बात सुनकर महाराज ने उन्हें भगवान शिव का ध्यान लगाया, फिर सैनिकों से कहा, यह दिंड नाड़ी है, इसमें से एक ईंट हटाओ। ईंट हटाते ही तुम पर गंगे माता की कृपा होगी और आप अपने घोड़ों को पानी पिला देना। सैनिकों ने महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए दिंड नाड़ी से एक ईंट हटाई। ईंट हटाते ही मानो साक्षात मां गंगा दिंड नाड़ी में आ गई तथा दिंड नाड़ी पानी से भर गई। पानी की कमी नहीं हुई।
इस चमत्कार को देखकर सैनिक सोच में पड़ गए। अब सैनिकों को ऐसा आभास हो रहा था कि ये चमत्कारी महाराज अवश्य ही कोई अवतारी पुरुष है। इतना चमत्कार देखकर सैनिकों ने महाराज से हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, हमारे घोड़े भी प्यासे हैं। सैनिकों की बात सुनकर महाराज ने उन्हें भगवान शिव का ध्यान लगाया, फिर सैनिकों से कहा, यह दिंड नाड़ी है, इसमें से एक ईंट हटाओ। ईंट हटाते ही तुम पर गंगे माता की कृपा होगी और आप अपने घोड़ों को पानी पिला देना। सैनिकों ने महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए दिंड नाड़ी से एक ईंट हटाई। ईंट हटाते ही मानो साक्षात मां गंगा दिंड नाड़ी में आ गई तथा दिंड नाड़ी पानी से भर गई। सैनिकों एवं उनके घोड़ों की चमत्कारिक तरीके से प्यास बुझाने वाले वही महाराज हैं जो आज कलयुग में हाथों हाथ हजारों भक्तों के संकट काटने वाले स्वामी श्री 1008 श्री त्रिलोचन जी महाराज हैं तथा उनकी धुनी वही सजाड़ा में जो कि जोधपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज ये सजाड़ा महाराज श्री त्रिलोचन भारती जी की कृपा से सजाड़ा धाम बन गया है। जिस स्थान पर सैनिकों ने महाराज को तपस्या करते हुए देखा वह स्थान दिंड नाड़ी सजाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी एवं अपने घोड़ों की प्यास बुझाने के बाद सैनिकों ने महाराज श्री श्री 1008 श्री त्रिलोचन भारती जी को प्रणाम कर वहां से जाने की प्रार्थना की। वापस जाकर सैनिकों ने महाराज जोधपुर दरबार को बताया कि सजाड़ा गांव के समीप एक नाड़ी पर ऐसा चमत्कारी साधु है
जिन्होंने आज हमारी व हमारे घोड़ों की चमत्कारिक ढंग से प्यास बुझाई। सैनिकों के मुंह से महाराज के चमत्कार की बात सुनकर जोधपुर महाराज की भी श्री त्रिलोचन भारती जी से मिलने की इच्छा हुई और जोधपुर दरबार डिंडनाड़ी पर जाकर महाराज श्री त्रिलोचन भारती जी के श्री चरणों में नमन करके बोले, हे महाराज, मेरी आंखें भी आपके द्वारा किए गए चमत्कार को देखना चाहती है। महाराजा दरबार की बातें सुनकर एवं इच्छा जानकर त्रिलोचन स्वामी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा राजन, भगवान शंकर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तब जोधपुर दरबार ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर पास में खड़े घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह देखकर स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी ने भगवान शिव का ध्यान करके अपने कमंडल से जल लेकर घोड़े पर छिड़का। जल छिड़कते ही घोड़ा पुनः जीवित हो गया। स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी के द्वारा यह चमत्कार देखकर जोधपुर दरबार अभिभूत हो गए और स्वामी जी को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, आप महान हैं, आप तो साक्षात अवतारी पुरुष हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आपकी सेवा में मेरा तन मन धन सब अर्पण है। यह सुनकर महाराज स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका हूं, मुझे भला क्या चाहिए। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे घोड़ों के चरने हेतु थोड़ी सी जमीन प्रदान करें। स्वामी जी के वचन सुनकर जोधपुर दरबार ने एक घोड़ा दौड़ाया। उस घोड़े ने जहां तक दौड़ लगाई वो सारी भूमि महाराजा ने ताम्र पत्र पर लिखकर स्वामी त्रिलोचन भारती जी को भेंट कर दी। इसे गोचर भूमि कहा गया। तदोपरांत जोधपुर दरबार स्वामी जी को प्रणाम कर एवं कुशल राज्य चलाने का आशीर्वाद लेकर जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गए। उसके बाद श्री स्वामी त्रिलोचन जी महाराज विक्रम संवत 1698 कार्तिक पूर्णिमा के दिन डिंडनाड़ी सजाड़ा डिंडनाड़ी की पाल पर जीवित समाधि लगा ली। समय बड़ा बलवान होता है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यही तो प्रकृति का नियम है। इसी तरह समय चक्र चलता रहा,
धीरे धीरे स्वामी त्रिलोचन भारती जी को समाधि लिए 500 वर्ष बीत गए। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। श्री त्रिलोचन भारती जी के वंशज, गांव सिंहासनी निवासी नरसिंह भारती जी के गले में बीमारी ठो गई और एक दिन प्रातः 4 बजे अचानक नरसिंह भारती जी के स्वप्न में लंबी दाढ़ी मूछ वाले, हाथ में कमंडल लिए एक साधु ने दर्शन दिया। उन्होंने कहा, नरसिंह तुम मेरी धूनी पर जाकर 5 परिक्रमा लगाओ, तब तुम्हें इस गांठ के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद नरसिंह जी की आंखें खुल गई। मन ही मन खुश होते हुए नरसिंह जी गांव सजाड़ा में स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी के शिष्य बुद्ध भारती जी की धुनी पर गए। वहां पर 5 फेरे लगाते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई कह रहा है, नरसिंह तू सजाड़ा की सरहद पर डिंडनाड़ी तक जा, वहां पर गुरु महाराज श्री श्री 1008 स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी की समाधि है, वहां जाकर 5 फेरे लगाते ही तेरा रोग मिट जाएगा। अगले दिन नरसिंह भारती अपने भाई के साथ डिंडनाड़ी पर गए तो वहां पर उन्हें एक त्रिशूल के दर्शन हुए। उन्होंने महाराज की धुनी को साष्टांग प्रणाम किया और महाराज श्री श्री 1008 स्वामी त्रिलोचन भारती जी की समाधि की 5 दिनों तक लगातार 5 परिक्रमा पूरी की और इसी के साथ नरसिंह भारती जी को मिला स्वामी जी का पहला पर्चा। Thank you.
अंधों को दृष्टि मिली, लंगड़ों को चलने की क्षमता, गूंगे बोलने लगे, प्रेतात्माओं की बाधा से पीड़ित लोगों को कहाँ से आ रहे हैं अभी? तो हम एमपी से आ रहे हैं। एमपी से कौन सी जगह से? एमपी से वो कुमारखाड़ी। आपका शुभ नाम? वर्षिया है। आपको क्या बाबा ने पर्चा दिया? मेरे को है ना, तो अभी 8 दिन की बात है, मेरे को ऑपरेशन की बात हो गई थी, बोलते हैं मेरे को पर मच्छरदानी में कैंसल होगा ऐसा। तो मैंने मतलब मैं बहुत रोती थी, बहुत घबरा गई थी। तो इतने दिन से मैंने यहाँ आके 5 दिन फेरी लगाई, मेरे को अच्छा हो गया। और गले में भी मेरे को गांठ थी 3, तो अभी 4 दिन ही हुए हमको यहाँ आने के बाद। और 4 दिन के बाद ये बाबा को बताया था, अच्छा हो गया, अभी बिल्कुल गांठ भी नहीं है, गले में नहीं है, कुछ नहीं, अच्छा हो गया। बाबा का बहुत अच्छा पर्चा है। आपको इसके बारे में किसने बताया था, बाबा के बारे में? हमने वहाँ पर कैसेट देखी थी। त्रिलोक भारती जी की कैसेट देखी थी? हाँ, हमने कैसेट देखी थी वहाँ पर। तो आप बाबा की जो यहाँ परिक्रमा लगती है पूरी 4 दिन से लगा रहे हैं? पूरे 4 दिन से, दिन में जितनी बार हो इतनी बार मैंने लगाई। तो अभी आपकी वो परिक्रमा लगाने का यहाँ मतलब दिल सब 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 कुछ हो गया मेरा साफ, मतलब मेरे को कुछ तकलीफ नहीं आने के बाद। मैं रोटी भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं होता था मेरे से, तो अब बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, जो गले में मतलब आपके दर्द था वो दर्द नहीं? वो भी हो गया ना, मेरे को कैंसर की मेरे को ऑर्डर आ गया था, अभी आपको ऑपरेशन ही करना है लास्ट में, और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने वहाँ पर दवाइयाँ ली, लेकिन दवाई मैं खाई नहीं, सीधी यहाँ पर आई और मेरे को भी बिल्कुल एकदम सही हो गई। मैं मतलब मानते हैं कि भगवान का चमत्कार? हाँ, चमत्कार है, सही में है। और मैं तो मानती हूँ, मैंने जब घर से निकली तब बाबा को बोला था कि मैं जब तक आपका दर्शन नहीं करूँगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। जब से मैं घर से निकली तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया, कुछ ही बाबा का दर्शन करके बाद मैंने पानी पिया। तो बाबा का आगे प्रचार करोगे लोगों में? हाँ, बहुत करूँगी, बहुत ही। Thank you.
यहाँ पर स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी के चढ़ावे में नारियल चढ़ाए जाते हैं। नारियल पर मौली बंधी होती है। समाधि स्थल के समीप ही प्रसाद की दुकानें हैं। इसके साथ ही त्रिलोचन भारती जी की तस्वीरों तथा कैसेट सीडी आदि की दुकानें सजी हुई हैं। ये तपे भूमि है, मतलब बाबा बहुत बड़े तपस्या थे वहाँ पे। यहाँ पे इन बाबा का अखाड़ा था, यहाँ भी तपस्या कर रहे थे बाबा। और जो भी आज प्रेत आत्मा और जो लंगड़े लूंगे बीमारी, इस जगह पे बाबा की पांच परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ पे लोग ठीक होते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर प्याऊ बना रखे हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट की तरफ से भी शुद्ध पानी की व्यवस्था है। सजाड़ा गांव चौहान राजपूतों की जागीरी का गांव है। यहां पर सभी जाति के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। बाहर से आने वाले भक्तों की स्थानीय लोग बहुत अच्छी अवभगत करते हैं। निर्धन भक्तों के लिए निशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था है। सामान्य भक्तों के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस एवं रेस्टोरेंट बने हुए हैं। त्रिलोचन भारती जी की समाधि सजाड़ा की सीमा पर है। इस तरह स्वामी जी की कृपा से जंगल में मंगल होने लगा है। मन है तेरा मतवाला,
चांद तारों की सीमा तक जा पहुंचे। आधुनिक विज्ञान ने हमेशा से ही धर्म को अंधविश्वास करार दिया है, परंतु स्वामी श्री त्रिलोचन भारती जी के इन चमत्कारों का कोई उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अंबे फिल्म्स द्वारा निर्मित इस वीसीडी को देखने के बाद जिन भक्तों ने अब तक स्वामी जी की समाधि के दर्शन नहीं किए वो अवश्य वहां आकर दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे एवं अपने भक्तों के कष्ट एवं दुखों से उन्हें मुक्ति दिला पाएंगे। जय बाबा त्रिलोचन भारती जी।